गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं वेब डेवलपमेंट विद गौरव। आज की इस प्रोजेक्ट वीडियो पे आपको बताने वाला हूँ पांच ऐसे रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट जो कि अगर आप फ्रेशर हो, कॉलेज में हो या इवन आप अभी एक्सपीरियंस्ड हो एंड जॉब के अप्लाई कर रहे हो, तब भी आपको इनमें से कोई एक से दो प्रोजेक्ट अपने रेज्यूमे में अभी ऐड कर लेना चाहिए टू गेट अ बेटर रिस्पॉन्स। तो सारा हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कौन से प्रोजेक्ट हैं, किस कैटेगरी में मैंने इनको पिक करे हैं एंड जो प्रोजेक्ट हैं वो सब मैं सोर्स कोड के साथ गिटहब के रेपो हैं सारे, ये वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, सो डोंट वरी। ये एक आपको मैं एक आइडिया के लिए बता रहा हूँ, आप जाके कोड दे सकते हो, कैसे बनाया है पूरा आर्किटेक्चर देख सकते हो एंड देन यू कैन ट्राई टू बिल्ड बाय योरसेल्फ एंड टू मॉडिफाई और यू कैन जस्ट ऐड सम अदर फीचर्स टू। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि आप कैसे फीचर और जो प्री एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट इन्होंने बनाए हैं या इन्हीं के प्रोजेक्ट को कोड को और मॉडिफाई करके और बेटर तरीके से बना सकते हो। इवन ये चीज़ भी आजकल बहुत चल रही है कि किसी और के प्रोजेक्ट को आप उठाओगे गिटहब से ओपन सोर्स है एंड उसको और अच्छा करके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम जितना वो टेक कर रहा है किसी एप्लीकेशन को रेंडर करने के लिए, वो सब ठीक करके आप उसको अपना एज अ प्रोजेक्ट रेज्यूमे में ऐड कर सकते हो। सो इन डिटेल सब कुछ डिस्कस कर आपको बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो पे। सो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो करते हैं शुरू। अब जहाँ गाइस प्रोजेक्ट की बात चली रही है, तो अगर अभी तक आपने न्यूटन स्कूल का फुल स्टैक डेवलपमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट 6 महीने का कोर्स, अगर आपने 6 महीने का कोर्स अभी तक ज्वाइन नहीं करा तो लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, दैट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स, लिंक पे क्लिक करना है, दैट्स इट। लॉगिन करने के बाद आपको पेज में लैंड करना होगा एंड हियर यू जस्ट नीड टू रजिस्टर इट आउट। मैं लॉगिन कर लेता हूँ, आई थिंक ये मुझे लेके जाएगा दूसरे पेज में, मैं दूसरी आई डी से लॉगिन करता हूँ क्योंकि मेरी जो ऑफिशियल दूसरी आई डी वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ओके, फिर से फ़ोन नंबर मांगेगा यहाँ पे, तो आई थिंक आई नीड टू लॉगिन विद माई ओन आई डी। या सो हेयर इट इज़, आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद इस तरह से आपको फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के पेज में लैंड होना है। हेयर यू जस्ट नीड टू एंटर योर कॉलेज नेम, ईयर, दैट्स ऑल। फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, फ्रंट एंड बैक एंड डीएससी, प्रोजेक्ट मीटिंग से लेके इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी सब कुछ इसमें आपको प्रोवाइड करी जाएगी। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जो पहला प्रोजेक्ट है वो है जीरा को। अब अपने जीरा का नाम तो अगर आप एज ए डेवलपर काम कर रहे हो स्पेशली आपने सुना होगा, और अगर जो भी नहीं है, जो लगे फ्रेशर है उनको बताता हूँ जीरा क्या चीज़ है। जीरा इस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म विच वेयर वी मैनेज ऑल अ टास्क। जब किसी कंपनी में काम करते हो आपको हर टास्क का एक कार्ड बनाया जाता है कि लाइक ओके आपको ये चीज़ चेंज करनी है, तो वो चीज़ एक कार्ड में मैंशन कर दी जाएगी और उस कार्ड को ट्रैक करती है पूरी टीम, ट्रैक करती है जैसे कि आपने क्या काम करा, परफॉर्मेंस आपकी, आपने कितने दिन लिए हैं उस काम को, फिर उस काम को करने के बाद आपको QA को मूव करना होता है टेस्टिंग के लिए उसी कार्ड को। तो ये सब चीज़ें जीरा एक प्लेटफॉर्म है, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बट एक जीरा इज द पर्टिकुलर बेस्ट प्लेटफॉर्म यू कैन से टू मैनेज द टास्क ट्रैकिंग थिंग स्पेशली इन IT डेवलपमेंट इंडस्ट्री। सो उसी का क्लोन एक प्रोजेक्ट है ये, एंड जो मैं बताता हूँ हमेशा अपनी मोस्टली वीडियो में कि क्लोन प्रोजेक्ट्स आर वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स, कि आप किसी भी अपनी जो वेबसाइट आपको पसंद है उसको पिक करो एंड उसका आप क्लोन बनाना स्टार्ट करो। दैट वुड बी लाइक ग्रेट एक्सपीरियंस यू विल गेट, बहुत सी चीज़ आपको सीखने को मिलती हैं क्योंकि आप कहीं देखोगे कई सारी चीज़ होती है जो आपको देख के लगता चला कि आप देख सकते हो जीरा क्या हो रहा है अभी, कि मैंने ये कुछ बैकलॉग है, मैंने यहाँ पे शिफ्ट करा, इसको यहाँ शिफ्ट करा एंड ऑल दैट, ये चीज़ें कैसे होती हैं, आप इनको सर्च आउट करो, कोड आपका यहाँ पे दिया हुआ है सब इन डिटेल आगे देखो कैसे काम कर रहा है, इसको आप चेक करो कि कहाँ बग्स हैं, क्या चीज़ें उसको आप ठीक करके अपने प्रोजेक्ट में उसको ऐड कर सकते हो इस डिस्क्रिप्शन के साथ रेज्यूमे के दैट आई हैव ऑप्टिमाइज्ड द प्री एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। और जो ये वर्ड होता है ना ऑप्टिमाइज, ये एक इंटरव्यूअर को आई कैचिंग वर्ड होता है और इंटरव्यू 101% इससे आपका इम्प्रेस होगा ही होगा। तो दैट्स वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ क्लोन प्रोजेक्ट। चलते हैं अपने सेकंड प्रोजेक्ट की तरफ। अगेन दिस इज आल्सो अनदर टाइप ऑफ क्लोन प्रोजेक्ट, और ये है आपका कह सकते हैं काइंड ऑफ डिस्कॉर्ड या फिर किसी भी तरीके का जहाँ पे कम्युनिटी है उसी का क्लोन है। दिस इज काइंड ऑफ डेफ क्लोन, जहाँ पे लाइक जो यूज़र का आइडिया है वो एक ये है कि एक प्लेटफॉर्म उसने बनाया है जहाँ सब लोग आएंगे अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह अपलोड करेंगे एंड ऑल दैट्स काइंड ऑफ डेव प्लेटफॉर्म। सो आप जाके देख सकते हो ये कैसे वर्क कर रहा है, कैसे ये चीज़ें चल रही हैं, इन शॉर्ट प्रॉपर इन डेप्थ जाके इसको एनालाइज कर सकते हो, और अगर आपको पसंद हो तो आप खुद सेम तरीके से क्लोन बना सकते हो, खुद का डेव हब बना सकते हो कोड करके। आप इससे एक आइडिया ले सकते हो कि कैसे ये वर्क कर रहा है और अपना खुद का ऐसा कुछ डेव हब रेडी कर सकते हो। दैट वुड बी अ ग्रेट फॉर योर रेज्यूमे। चलते हैं अपने अगले प्रोजेक्ट की तरफ।
ये है फ्लैटिस एंड नाउ दिस इज अ गेम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. यस दिस इज अ गेम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन रिएक्ट. यस अब यह बचपन में आपने ब्लॉक गेम तो जरूर खेला होगा. सो दिस इज द सेम. या हियर इट इज यू कैन सी जब आप गेम स्टार्ट करोगे तो ये गेम स्टार्ट हो जाएगी एंड इट विल बी लुक लाइक काइंड ऑफ दिस. जैसे आप न्यू गेम में स्टार्ट करोगे देयर विल बी अ ब्लॉक गेम. आपको ब्लॉक यहाँ सेट करने हैं. सो दिस इज ऑल्सो वेरी कॉम्प्लेक्स. अब इन चीज़ों का फायदा क्या होता है? अगर आप ये चीज़ें बनाओगे तो ये आपको फायदा क्या होगा? क्लोन प्रोजेक्ट, गेम प्रोजेक्ट, दीज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट ना क्वाइट कॉम्प्लेक्स थिंग्स. तो ये इसमें आपको सिंपल तरीका नहीं करते. इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स कह सकते हो, बहुत रेगरस कोडिंग इसमें लगती है आपकी. तो जितना दिमाग आप इसको डेवलप करने में लगाओगे ना, वही चीज़ उनको जानना है कि आपने कैसे डेवलप करा है, क्या टेक्निक आपने यूज़ करी है, क्या आपने अप्रोच यूज़ करी है पर्टिकुलर चीज़ को डेवलप करने के लिए. दैट्स वाई दिस इज दीज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट आर द बेस्ट प्रोजेक्ट फॉर योर रेज्यूमे टू गेट एन इंटरव्यू कॉल क्विकली. सो देयर इज अ थर्ड प्रोजेक्ट. अगेन द कोड इज इन द डिस्क्रिप्शन फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स. जाके आप इसको देख सकते हो कैसे बनाया है वगैरह वगैरह. और ये चीज़ें आपकी रेज्यूमे को एक अलग ही लेवल में, मैं बता रहा हूँ, मतलब एक अलग ही लेवल में लेके जाएगी ये चीज़ें आपके प्रोजेक्ट पे रेज्यूमे. चलते अपने अगले प्रोजेक्ट की तरफ ना. हेयर इट इज़ अ सिंपल प्रोजेक्ट फॉर अ बिगनर काइंड ऑफ, बट इसको भी थोड़ा सा अच्छा करके बनाया है. जस्ट योर टू डू एप्लीकेशन और हेयर इट इज लाइब्रेरी डेमो पर देख लेते हैं. सो दिस तो कितना मतलब थोड़ा सा एक अट्रैक्टिव बेसिक है, बट कितनी अच्छी तरीके से बनाया है. तो एक कह सकते हो एक सिंपल चीज़ को भी अट्रैक्टिव बनाकर आप शो कर सकते हो रेज्यूमे, अपने रेज्यूमे के अंदर. अब अगेन आप फोटो शो तो नहीं कर सकते, यू हैव टू मैंशन काइंड ऑफ टू डू ऐप, बट अगेन दैट वर्ड साउंड्स क्वाइट डन यार. एक एज अ डेवलपर आप एक टू डू ऐप अपने रेज्यूमे में डाल रहे हो तो ये चीज़ चुप सकती है इंटरव्यूअर को, कि ये एक बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट होता है एज अ बिगिनर. ये दिस जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस. बिगिनर भी डाल सकता है बट एक्सपीरियंस नहीं डाल सकता. बट बिगिनर के लिए दिस प्रोजेक्ट वुड बी अ बेस्ट वन. अगेन आप उसे थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बना सकते हो, वहाँ डिस्क्राइब कर सकते हो रेज्यूमे में कि आपने टू टू ऐप किस बेसिस पे बनाया है, थोड़ा और कॉम्प्लेक्सिटी के साथ यू आई. आप देख सकते हो कितना अच्छा यू आई लग रहा था इसका. सो कुछ इस तरह से आप अपना टू टू ऐप डेवलप करके अपने रेज्यूमे में मैंशन कर सकते हो. एंड अगेन दिस विल बी काइंड ऑफ आई कैचिंग प्रोजेक्ट्स फॉर द इंटरव्यूअर. ओके नाउ दिस दीज थ्री इज क्वाइट इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट यू कैन से. गेम डेवलपमेंट इज अ हाई लेवल प्रोजेक्ट. अगेन आई एम सेइंग these two are intermediate. Okay, not this one. Jira is quite intermediate and between the high. This one is intermediate and this one is high level project where need a high level of thinking. And the next is your to-do app. So the last project which we have is React Kanban. And इसको मैं अगर open करता हूँ तो आप देखोगे इसका live demo मैं दिखाता हूँ. So you can say it's just kind of Trello. आपने ट्रेलो अगर आप ऐप देखी होगी तो ये वही कुछ तरीके का है. यहाँ पे आपको टास्क मैनेज होता है, दैट्स इट. जस्ट लाइक जीरा आप ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो कुछ जैसे ये दिखा रहा है यहाँ पे. ओके यू हैव टू साइन इन ऑल दैट. तो ये मैं नहीं करता, आप जाके देख सकते हो. दिस इज द इमेज दैट हाउ इट बेसिकली वर्क. सो आई होप दिस प्रोजेक्ट विल हेल्प यू टू लेवल अप योर रेज्यूमे. सबके डिस्क्रिप्शन प्रोजेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं. वीडियो से लिंक हुए तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.